भारत में हर भारतीय की जो पहली पसंद होती है वो फास्ट फूड होती है। कोई अपने घर में खाना खाए ना खाए, पर घर से बाहर निकल के बाहर का खाना जरूर खाना होता है। बाहर जो भी लोग फास्ट फूड का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और वो इससे काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से 10 फास्ट फूड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप फास्ट फूड के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप 10 ऐसे फास्ट फूड्स की भी बात करेंगे जिनकी डिमांड इंडिया में सबसे ज्यादा रहती है, तो उन्हें आप शुरू कर सकते हैं। इसी के अलावा लाइसेंसिंग कैसे करनी होगी आपको, कहां पर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितने रुपए आप इससे कमा सकते हैं, ऐसी सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम कुछ फास्ट फूड बिजनेसेस की बात करते हैं। टॉप 10 फास्ट फूड बिजनेसेस की बेसिकली बात करते हैं जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं और सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेसेस हैं। उनमें सबसे पहला बिजनेस आता है आपका बिरयानी स्टॉल। लोग बिरयानी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी के अलावा इडली डोसा का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। पानी पूरी का स्टॉल लगा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज में ही जाना चाहते हैं तो फिर आप मछली फ्राई या फिर चिकन फ्राई रख सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप बिहार साइड से हैं तो लिट्टी चोखा का एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रह सकता है। चाइनीज स्टॉल लगा सकते हैं आप इसमें, चाउमीन वगैरह। इसी के अलावा चाट समोसे का स्टॉल लगा सकते हैं, बड़ा पाव का स्टॉल लगा सकते हैं, मोमो स्टॉल। मोमो काफी ज्यादा डिमांडिंग आइटम है हमारे भारत में, तो इसका बिजनेस कर सकते हैं। इसी के अलावा आप चाय की दुकान शुरू कर सकते हैं और उसमें समोसा वगैरह रख सकते हैं। और भी अगर आप कुछ प्रेफर कर सकते हैं चाय के दुकान में तो वो सारी चीजें आप रख सकते हैं। दूसरी एक चीज की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी भी प्रकार के फास्ट फूड बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो कुक करना आता हो प्रॉपर तरीके से। आप किसी तीसरे के सहारे में रहकर, दूसरे के सहारे में रहकर इस काम को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी और के सहारे में रहेंगे, उसके सहारे आपने अपने शॉप को स्टार्ट कर लिया है, कल को उसे कहीं शादी में जाना हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई या उसने आपके पास काम करना छोड़ दिया, आपने तो उसी के सहारे में बिजनेस स्टार्ट किया था कि हाँ वो कुक करने के लिए तो है ही, वो तो बनाने के लिए आई, और वो आ ही नहीं रहा है आपके स्टॉल पे, तो आपका बिजनेस तो वहीं ठप हो जाएगा, आपका जो पैसा लगा है वो भी फंस जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को प्रॉपर तरीके से डिश बनानी आती हो, तभी आप इस बिजनेस को शुरू करें। अगर नहीं आती है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी जो भी डिश बनानी है आपको। दो चार पांच बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने घर वालों को खिलाइए, जब आपको ऐसा लगे अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ आप तैयार हैं, तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या बनाना है, ये भी आपने सीख लिया कि किस तरीके से बनाना है, तो अब आपको जाना है अगले कदम पर कि आपको कहाँ पर स्टार्ट करना है। बेसिकली फास्ट फूड के बिजनेस को स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी ऐसे एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ भीड़ अधिक रहती है। ये किसी कोचिंग सेंटर के बाहर हो सकता है, ये किसी हॉस्पिटल के बाहर हो सकता है, कोर्ट कचहरी के बाहर हो सकता है, बैंक के बाहर हो सकता है, मार्केट में आप किसी ऐसी जगह स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती हो। तो ओवरऑल यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ किस जगह पर रहती हो। आपके घर के आसपास कोई ऐसा चौराहा है, नुक्कड़ है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ रहती हो सुबह के टाइम, शाम के टाइम, वैसी जगहों पर। और अगर आपने किसी ऐसे उत्पाद को चुना है, किसी ऐसे फास्ट फूड को चुना है जो आपके एरिया में अभी तक नहीं है और आप पहले व्यक्ति हैं जो उसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके चलने के चांसेस और भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो आपने जो भी लोकेशन चुना है उस लोकेशन पर आपको एक प्रॉपर शॉप लेनी होगी। अगर आप रेडी लगाना चाहते हैं तो आपको वो जगह डिसाइड करनी पड़ेगी, जिस जगह पर पर्टिकुलरली आप जाकर रेडी लगाएंगे। तो वो जगह अगर किसी की है तो उससे आपको बात करनी पड़ेगी। अगर किसी शॉप के सामने तो शॉप वाले से बात करिए कि हम आपके शॉप के सामने इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पैसे आप लेना चाहें हमसे ले सकते हैं। या फिर अगर कोई पर्टिकुलर आपको शॉप मिल रहा है रेंट पर तो आप उसके रेंट की बात कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा तीसरे चरण में। चौथे चरण की बात करते हैं। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी बेसिक इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स लगने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको खरीदनी होंगी जिससे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। इसी के अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। 100 रुपए का केवल रजिस्ट्रेशन होगा, आपको स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है और आप साल का 12 लाख से ऊपर कमाना शुरू कर देते हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना आप 100 रुपए के फूड
फूड रजिस्ट्रेशन से ही काम चला सकते हैं बिना किसी समस्या के। इससे आपको कोई भी लीगल समस्या नहीं होने वाली है और भारत में किसी भी प्रकार के फूड बिजनेस को करने के लिए फूड लाइसेंस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो फाइनली हम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है और इसमें हम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में आप किसी भी प्रकार के फास्ट फूड के बिजनेस की अगर शुरुआत कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल से अगर हम बात करें, तो मिनिमम से मिनिमम, वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी मिनिमम से मिनिमम 30,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का खर्चा आपका आता है किसी भी फास्ट फूड बिजनेस को स्टार्ट करने में। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कितना इक्विपमेंट लग रहा है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, आपने लोकेशन पे शॉप ली है या फिर आपने एक रेडी पर स्टार्ट करना है। तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बट फिर भी मिनिमम से मिनिमम 30,000 से 1,00,000 रुपए तक हम मान के रख सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो इसमें आप प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा पाएंगे। प्रॉफिट आपका डिपेंड करता है कि सेल कितनी है, बट फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1,000 से लेकर 3,000 रुपए तक एक दिन का इंसान कमा सकता है आसानी से, अगर वो फास्ट फूड के बिजनेस को स्टार्ट करता है और अच्छे लोकेशन पे स्टार्ट करता है जहां अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाता है उसका बिजनेस। तो हम कह सकते हैं कि आप महीने में 30,000 से 50,000 रुपए तक आसानी से अपना बचा सकते हैं इस बिजनेस में। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस प्रकार से भारत में फास्ट फूड के बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।